नमस्कार, आप सुन रहे हैं V1 रेडियो 90.8 FM जालोर की आवाज। आज जैसा कि आप सभी को एक विशेष शख्सियत के बारे में मैं बताऊं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे RJ अर्पित जो आए हैं सीधा उदयपुर से FM तड़का। बहुत ही फेमस RJ हैं और उदयपुर की गली चौबारों से उठकर और एक अपनी विशेष शख्सियत बना के आज हमारे बीच में हैं। और आज हमारे विशेष मेहमान आज हमारे साथ आए हैं वो हैं हमारे अथर्व आदित्य सिंह राव। अथर्व आदित्य सिंह राव पेशे से गिग इकोनॉमिकर के एक बहुत बड़े उभरते सितारे हैं, जिसे हम कह सकते हैं यूट्यूबर। और यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने अपनी कला के माध्यम से, अपने गेमिंग के खेलने की उस कला के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो अथर्व आदित्य जी और RJ अर्पित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, और ये माइक्रोफोन मैं आपको समर्पित करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आप हमारे से एक बड़े रेडियो स्टेशन को मैनेज कर रहे हैं और एक अनुभवी होकर आप इस फील्ड के अंदर काफी समय से अनुभव ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे दर्शकों को आपकी मधुर ध्वनि से, मधुर स्वरों से और लोगों को ये बात विषय पहुंचे कि किस तरीके से एक YouTube के अंदर एक गेमिंग करियर किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारे विषय की जानकारी हमारे अथर्व आदित्य जी से आप लें। जी बिल्कुल। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है अथर्व आदित्य आपका। सबसे पहला सवाल लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि आपकी उम्र कितनी है, इस उम्र में कैसे कर लिया ये सब, तो सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहते हैं। मेरी फिलहाल तो उम्र 17 साल है और जब मैंने गेमिंग एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल जब मैंने शुरू किया था उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी। चैनल तो 9 साल की उम्र में बना लिया था, बट रेगुलर कंटेंट पोस्टिंग मैंने 13 साल की उम्र में शुरू करी थी। ओके, हाँ जी। और फिर कहाँ से शुरुआत होने का आइडिया कहाँ से आया था, किसी को देख के या फिर इंस्पिरेशन मिली या फिर खुद से ही शुरू किया कि कुछ करना है, या फिर मकसद पैसा कमाना ही था? नहीं, मेरा मकसद कभी पैसा कमा तो नहीं रहा है। पैसा कमाना मकसद क्यों नहीं रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब मैंने शुरू करा था तब शुरू में मैं गेमिंग कंटेंट नहीं डालता था। उस टाइम मैं डालता था टेक्नोलॉजी का कंटेंट, जो नए नए मोबाइल फोन आते थे अनबॉक्स उनके करते थे अनबॉक्सिंग कि मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसा मोबाइल फोन रहने वाला है। उसके बाद में मेरा गेमिंग में इंटरेस्ट बढ़ा, गेमिंग मेरे को पसंद आता है। उसके बाद मैं गेमिंग में ही पूरा मैंने चैनल शिफ्ट कर लिया था। और जहाँ तक बात रही पैसे कमाने की, मेरा मकसद पैसा कमाना शुरू से नहीं था। ओके, क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने 3 साल तक बिना किसी पैसे के वहाँ काम किया है। बिल्कुल। यूट्यूब पे 3 साल बाद मेरी इनकम शुरू हुई है, उससे पहले 3 साल तक बिना किसी इनकम के मैंने काम किया। अगर मेरा पैसा कमाना मकसद रहता तो शायद मैं 3 साल तक काम नहीं कर पाता बिना इनकम के। बिल्कुल। और इस फील्ड में आने से पहले क्या कर रहे थे, मतलब कौन सी क्लास में थे जब उससे पहले, और कैसी थी पढ़ाई में हालात आपके? जी, पढ़ाई में तो शुरू से सही बताऊँ तो मैं इतना अच्छा नहीं था, कमजोरी था शुरू से पढ़ाई में। तो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था नहीं शुरू से। नहीं रहा, अभी भी पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन मैं गेमिंग में शुरू करा था जब मैं आई थिंक सेवन्थ एट्थ में था। उस टाइम मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करा था, उस टाइम टेक की वीडियो डालता था, और उसके बाद मैंने 10th में गेमिंग शुरू करी। तो एक सवाल आपको देख के मेरे मन में आ रहा है कि जिस टाइम पर आपको सबसे पहली वीडियो रनिंग में आई होगी यूट्यूब पर या फिर ग्रोथ मिलना शुरू हुई होगी, तो क्या फील था अंदर से, कैसा लग रहा था आपको? देखिए, सही बताऊं तो लोगों की चैनल ग्रो होते हैं वो एक वीडियो से उठ जो जाते हैं, एक वीडियो किसी की वायरल हो जाती है तो वो ग्रो हो जाता है। हाँ। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मेरे साथ धीरे धीरे ग्रोथ मिली है। एक वीडियो 50,000 व्यू गई, दूसरी वीडियो 1 लाख, तीसरी 3 लाख, फिर 1 मिलियन, मतलब रैपिड ग्रोथ नहीं मिली मेरे को धीरे 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 ग्रो हुआ है। तो सही बताऊं तो इतना मेरे को पता लगा नहीं, क्योंकि धीरे 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 ग्रोथ मिली, एकदम से अगर कोई वायरल हुआ तो पता लगता। तो ये बीच में मैं एक और जानकारी आपसे जानना चाहूंगा कि आज कई ऐसे बच्चे हैं जो आपको अपने आइडियल के रूप में देखते हैं और वो ये देखते हैं कि हम भी इनके जैसे सक्सेसफुल हो जाएं। तो ऐसा एक क्या गुरु मंत्र उन बच्चों को देना चाहोगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो देखते हैं कि ये जो भैया जैसा गेम खेलते हैं वैसा हम खेलें, तो क्या उनको और क्या उनके पेरेंट्स को आप बताना चाहोगे कि ये किस तरीके से फलीभूत हो सकता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों के मन में ये बात है कि कंप्यूटर से बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब अगर कंप्यूटर से बच्चे बिगड़ते हैं तो आज हमारे सामने तो एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है। तो मैं उन पेरेंट्स की तरफ से एक प्रश्न पूछता हूं कि आप उनको क्या प्रश्न का जवाब देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि शुरू में मेरे को भी पूरे दिन कंप्यूटर मोबाइल चलाने को नहीं मिला था। शुरू में मेरे घर वाले मना बोलते थे, मत चलो, मम्मी के फोन से वीडियोज बनाता था। मतलब लिटरल दिन में एक डेढ़ घंटा में वीडियोस वगैरह बनाता था। उससे धीरे धीरे ग्रोथ मिली, पर जब मेरा पहला पेमेंट आया यूट्यूब से, जब मैंने 2 साल मम्मी के फ़ोन में काम किया उसके बाद मेरा पहला यूट्यूब से पेमेंट आया था, उससे मैंने खुद का पहला फ़ोन लिया था। और उस पहले फ़ोन से मैंने 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स किए थे, उसी एंड्रॉइड फ़ोन से, 18,000 रुपये के फ़ोन से। उसके बाद आगे जब मेरा चैनल ग्रो हुआ उसके बाद बाकी सब मैंने चीज़ें ली। तो मतलब इससे एक बात सामने आई अर्पित जी कि कंसिस्टेंसी ऑलवेज पे, लगातार 1.5 घंटे से लगाकर और उन्होंने 2 साल तक अनवरत रूप से कार्य किया और फिर
इन्होंने यूट्यूब के उस करियर को, उस मुकाम को हासिल किया। तो मैं भी अपने दर्शकों को यही बताना चाहूंगा और देख रहे उन तमाम बच्चों को भी जो इनके जैसा एक यूट्यूब में करियर बनाना चाहते हैं, तो एक सुनहरा मौका है, लेकिन उसके अंदर मेहनत लगती है, पेशेंस लगता है और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी एफर्ट चाहिए। तो बहुत बहुत बड़ा काम आपने किया और एक जालौर की भूमि से, एक मारवाड़ की भूमि से आप आते हैं और इतना बड़ा मुकाम हासिल करके एक इंडिया लेवल पे अपने प्लेटफॉर्म पे अपना नाम अंकित करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी और गौरवान्वित पल है जालौर के लिए और आपके माता पिता के लिए जो मेरे सामने इस स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारा कैमरा अभी हमारी तरफ है तो मैं ज़रूर उनको भी कवर करूँगा और मैं आपको और आपकी सफलता के लिए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आपको इतना आगे प्रमोट किया। फिर अर्जय अर्पित जी, तो इनिशियल में अभी जैसा बोला कि मम्मी पापा ने सपोर्ट किया होगा, लेकिन इनिशियल में सबका सवाल यही रहता है कि इवन मैं आरजे के फील्ड में आया तो मेरे मम्मी पापा को भी समझाने में समय लगा कि रेडियो जॉकी क्या होते हैं। तो आपके लिए कैसा मुश्किल था, किस तरीके से समझाए या फिर पहली किस्त आने के बाद में ही समझ में आया? हाँ जी, देखो शुरू शुरू में तो सबके ही घर वाले रोकते हैं कि मत करो इतना सारा फोन मत चलाओ, सबके ही रोकेंगे ऑब्वियसली, वो लोग क्यों चाहेंगे कि बच्चा पूरा दिन फोन चलाए। लेकिन जब ग्रोथ उनको दिखने लगी कि इसमें ग्रोथ हो रही है, क्यों समझते हैं घर वाले कि जब चैनल ग्रो हो रहा था, ग्रोथ दिखी और तब तक थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लगे, जब फिर पेमेंट आनी चालू हुई तब घर वालों को बिल्कुल विश्वास हो गया कि हाँ इसमें सही लाइन पे है। इसमें एक अभी जैसे ही अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, मैं एक और जानना चाहूंगा कि क्या आपको और अभाव, जितने आपने अभावों में आपने शुरू किया, जितनी मुश्किलें और जितनी परेशानियां आपने अपने चैनल को बनाने में लगाई, तो आप क्या चाहते हैं, क्या ऐसा कोई सुविधा या ऐसा कोई समीकरण मौजूद हो जिसके अंदर आपके जैसे करियर बनाने वाले लोगों के लिए एक स्पेशल पॉलिसी हो या एक और एक इस तरीके के कोई इंस्टीट्यूट हो जो आपके जैसे इंटरेस्ट रखने वाले तमाम जो लोग हैं उनको मदद मिले? तो क्या आप ऐसा कुछ विषय में कुछ सोचते हैं या ऐसा कुछ विचार रखते हैं? ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में ऑलरेडी है, गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, लेकिन वो गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मैं आपको सही बताऊँ तो मैं गेमर नहीं हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, गेमिंग कंटेंट क्रिएटर। एक गेमर और एक गेमिंग कंटेंट क्रिएटर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। गेमर पूरा हार्डकोर गेमर होता है, वो कंटेंट नहीं बनाता, वो सिर्फ गेम खेल के उसमें टूर्नामेंट खेल के पैसा कमाता है, और हम लोग गेम को फनी वे में पोर्ट्रे करते हैं, गेमिंग को उसको कंटेंट बना के उससे हम पैसा कमाते हैं। तो जो हार्डकोर गेमर होते हैं, जो अच्छा खेलते हैं, उनके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में मौजूद है। उनके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका गेम प्ले अच्छा होगा तो वो जरूर से आपको हायर करेंगे, बहुत अच्छी मतलब लाखों करोड़ों रुपए वो सैलरी पे करते हैं जस्ट गेम खेलने के लिए, ताकि आप उनके नाम के थ्रू उनके लिए गेम खेल के आप टूर्नामेंट जीत के, क्योंकि गेमिंग के टूर्नामेंट अब के टाइम पे बहुत बड़े हो चुके हैं। गेमिंग टूर्नामेंट करोड़ों में होते हैं, 20-20, 50-50 करोड़ के गेमिंग टूर्नामेंट्स होते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट से भी कभी कभी जो वर्ल्ड कप्स होते हैं उसके, जो गेमिंग वर्ल्ड कप्स होते हैं, उनके प्राइस पूल बहुत ज़्यादा होती है। ओके ठीक है। और एक और सवाल इसी से मेरे दिमाग में आया कि ये वर्चुअल दुनिया में आप अभी हैं, तो कहाँ अपना फ्यूचर देखते हैं इसी फील्ड में, कि कहाँ जाने का आपका प्लान है या फिर आपके मन में क्या है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है? जी अभी तक तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कहाँ तक पहुँचना है, वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। भगवान जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और इसी में फिलहाल तो मेरे को कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी तो मेरी उम्र काफ़ी कम है, तो जब तक मैं कर सकता हूँ, जब तक इससे मतलब थक ना जाऊँ, तब तक मैं इसी को करता रहूँगा कंटिन्यू। Okay. और लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि अथर्वादित्य सिंह राव जो एक फेमस यूट्यूबर हैं और गिग इकोनॉमिक वर्कर हैं और एक बहुत बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो क्या ऐसा मैसेज है हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको रियल में गेमिंग में इंटरेस्ट है तभी आप गेमिंग में आओ, वरना आपके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो आपको लगता है कि आप इसमें कुछ कर पाओगे, नॉट गेमिंग में, अगर आपको लगता है कि आप फनी हो, आप में टैलेंट है, आप कंटेंट अच्छा पोर्ट्रे कर सकते हो ऑडियंस को, तो कंटेंट क्रिएशन में भी आओ। और अगर आपको लगता है कि गेम प्ले बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा खेलते हो, तो आप गेमिंग फील्ड में जा सकते हो, मतलब टूर्नामेंट्स वगैरह की साइड, वरना आप अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो वो बन सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आप कर लोगे तो, और दूसरा अगर आप सिर्फ पैसों के लिए करोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला। आपको रियल में उसके, आपको अगर शौक होगा उस चीज़ का तभी आप करवाओगे, सिर्फ कंटेंट के लिए पैसों के लिए करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने, और ये मैसेज उन तमाम इंस्टाग्रामर और उन रील वालों के लिए भी है जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं उनको भी ये फिर कहूँगा और हमारे इस रेडियो के माध्यम से हम सभी आपको कहना चाहेंगी कि कोई भी ऐसा कार्य असफल नहीं हो सकता जहाँ पर आपने पूरी शिद्दत से कार्य नहीं किया हो। और यही मंत्र लेकर आज हमारे बीच में आए अथर्वादित्य सिंह राव और हमारे साथ एक विशेष मेहमान से जुड़े उदयपुर से सीधे आरजे अर्पित जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत हमारे लिए गौरवान्वित पल है कि आप दोनों इतने बड़े लोग आज हमारे बीच में हैं और आप दोनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं आगे एक तारतम्य रूप से जोड़ा।
और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमारा रेडियो सुनते रहें और आप हमारे इसी तरीके से रेडियो से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए V1 रेडियो 90.8 FM, जालोर की आवाज़।